नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं किताबों से संबंधित वीडियोस बनाती हूँ, तो यदि आपको किताबें पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के वीडियो में मैं इब्ने बतूती की समीक्षा करने जा रही हूँ। पिछले महीने मैंने दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखित अक्टूबर जंक्शन पढ़ी। मुझे किताब इतनी पसंद आई कि मैंने लेखक के द्वारा लिखी अन्य किताबों को भी पढ़ने का फैसला किया। इब्ने बतूती दिव्य प्रकाश दुबे की नवीनतम किताब है, जो इसी जुलाई के महीने में प्रकाशित हुई थी। होता तो यह है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप उनकी शादी करा देते हैं, लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। यह कहानी है राघव और उसके सिंगल मॉम शालू अवस्थी की। राघव जब सिर्फ 4 साल का था तो उसके पिता का निधन हो गया। राघव का एडमिशन अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो गया है और वह 3 महीने में अमेरिका जा रहा है। इसी बीच राघव की माँ कार्यालय में बेहोश होकर गिर पड़ी और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। अब राघव अपनी मां के लिए चिंतित है और उन्हें अकेला छोड़कर अमेरिका नहीं जाना चाहता। और ऐसे में राघव को ख्याल आता है कि क्यों ना अपनी मां के लिए एक बढ़िया सा बॉयफ्रेंड या पति ढूंढा जाए, ताकि उनका अकेलापन कम हो सके। लेकिन यह काम जितना आसान लग रहा था, असल में था उतना ही मुश्किल। और इसी बीच राघव को पता चलता है एक अतीत, एक ऐसा अतीत जिसे शालू अवस्थी ने अपने मन के किसी गहरे कोने में दबा रखा था। जमाने से आगे बढ़िए तो मजाज, जमाने को आगे बढ़ाना भी है। लेखक दिव्य प्रकाश दुबे ने क्या खूब प्रेरणा ली है मजाज साहब के इन पंक्तियों से, और हमें यह खूबसूरत कहानी पढ़ने को मिली। सही में यह समाज को आगे ले जाने का वक्त है। हमने हर क्षेत्र में प्रगति की है, लेकिन हमारी मानसिकता अभी भी संकीर्ण है। कब हम अपने संकीर्ण विचारों से ऊपर उठेंगे, कब हम खुले विचारों को अपनाएंगे, कब हम समय के साथ कदम मिलाकर चलना सीखेंगे। जमाने को आगे बढ़ाने के लिए किसी और क्रांति से पहले अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। इब्ने बतूती आज के समय की कहानी होते हुए भी एक ठहरे हुए समय की कहानी है। यह एक खोए हुए रिश्ते की कहानी है। जीवन में हम कुछ खूबसूरत लोगों से मिलते हैं जो जीवन का हिस्सा नहीं बन पाते, कुछ रास्ते अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इब्ने बतूती जीवन की उन सभी अधूरी बातों, मुलाकातों, भावनाओं, विचारों और लोगों की कहानी है। बहुत उम्दा कहानी लिखी है लेखक दिव्य प्रकाश ने। माँ बेटे के रिश्ते के बारे में बहुत अच्छी तरह से लिखा है। कहानी सामान्य शब्दों में पिरोई गई है, लेकिन माँ बेटे के संबंधों व भावनाओं से भरपूर है। एकल महिला के कार्यक्षेत्र के माहौल एवं स्थिति के बारे में बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है। कहानी के अंत में लेखक ने पाठकों से कुछ सवाल पूछे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अगर मैं उपन्यास के पात्रों की बात करूं तो कहानी के 2 मुख्य पात्र हैं, राघव अवस्थी और उसकी माँ शालू अवस्थी। राघव आधुनिक विचारों वाला पढ़ा लिखा युवक है जिसके लिए उसकी माँ ही सब कुछ है। वह अपनी माँ की खातिर कुछ भी करने को तैयार है। शालू अवस्थी एक आधुनिक शिक्षित मिडिल क्लास सिंगल मॉम है जिसने अपना जीवन अपने बेटे को समर्पित कर दिया है। अपने पति की मृत्यु के बाद भी उसने कभी दूसरे विवाह के बारे में नहीं सोचा। कहानी का 3रा मुख्य पात्र है निशा, जो कि राघव की गर्लफ्रेंड है। यह निशा ही थी जिसने राघव को सुझाव दिया कि उसकी माँ को पुनर्विवाह कर लेना चाहिए। वह राघव को प्रोत्साहित करती है कि वह समाज के बारे में सोचना बंद करे और अपनी माँ की खुशी के बारे में सोचे। हमारे समाज को राघव और निशा जैसे प्रगतिशील युवाओं की अत्यंत आवश्यकता है। किताब की भाषा काफी आसान और सरल है। किताब नई हिंदी में लिखी गई है जिससे इसे समझना काफ़ी आसान है, इसलिए यह उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो अभी हिंदी में किताबें पढ़ना शुरू कर रहे हैं। मुझे यह किताब काफ़ी पसंद आई। किताब 122 पन्नों की है, इसलिए इसे आसानी से एक दिन में पढ़ा जा सकता है। यह उन बेहतरीन किताबों में से है जो आपको अंत तक बांधे रखती हैं। तो यदि आप कुछ आसान और सुंदर पढ़ना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए है। तो यह थी इब्ने बतूती की मेरी पुस्तक समीक्षा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगर ऐसी ही और रोचक किताबों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।